हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाना सीखेंगे सुपर क्रिस्पी ऑनियन ब्रेड पकोड़ा। ये झटपट बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे होती है। इसे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ऑनियन ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हमें प्याज के दोनों हिस्सों को इस तरह से काट लेना है। फिर इसे बीच से दो टुकड़ा करके पतले पतले स्लाइसेस में काट लेना है, जैसा कि हम लोगों ने झूरा पकौड़ा बनाते समय काटा था। हमें प्याज के स्लाइसेस एकदम पतला पतला रखना है ताकि तेल में तलते वक्त ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाए और हमारा पकौड़ा एकदम से क्रिस्पी बने। आप चाहे तो इससे ज़्यादा पतला भी काट सकते हैं। हमने मीडियम साइज के चार प्याज लिए हैं और इस तरह से स्लाइसेस में काट लिए हैं। अब हम इसको हथेली से इस तरह से छुड़ा लेते हैं ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना रहे। हमें सारे प्याज को अच्छी तरह से अलग अलग कर लेना है। हमने सारे प्याज को अलग अलग कर लिए हैं। अब हम इसे एक बाउल में डाल देते हैं। प्याज में अब हम मिलाते हैं आधी छोटी चम्मच नमक, हुई अदरक लहसुन, बारीक कटी हुई चार हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, जिससे पकोड़ा का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और साथ ही आधी छोटी चम्मच काला नमक। अब हम सारे मसाले को प्याज में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। प्याज में हमने सारे मसाले को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं फ्रेश कटी हुई धनिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन को मिलाते हैं। एक बार में सारा बेसन ना डालें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। अब हम इसमें डालते हैं पानी और इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं दो बड़े चम्मच चावल का आटा, जिससे हमारा ब्रेड ऑनियन पकोड़ा सुपर क्रिस्पी एंड क्रंची बनेगी। आप चावल के आटा की जगह एक बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। इसमें हल्का सा और पानी डाल देते हैं। हमें इस तरह का बैटर तैयार कर लेना है। हमारा बैटर तैयार है। इसे हमें अच्छी तरह से हथेली से घुमा घुमा कर मिला लेना है। हमारा बैटर तैयार है। अब हम लेते हैं ब्रेड के कुछ स्लाइसेस और इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लेते हैं। इस तरह से सारे ब्रेड को कट कर लेना है। हमने सारे ब्रेड के पीसेस को कट कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हम लेते हैं इस तरह से एक पीस और इसके ऊपर बैटर को अच्छी तरह से हथेली से इस तरह से कोटिंग कर लेना है। एक साइड हो गया है, अब इधर से भी कर लेते हैं। इस तरह से सारे ब्रेड में अच्छी तरह से कोटिंग कर लेना है।
इसके बाद अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। सबसे पहले सारे ब्रेड को कोटिंग कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई में तेल लेते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कोटिंग की हुई ब्रेड को डाल देते हैं। इसे अब हम एक तरफ से पका लेते हैं। ब्रेड हमारा नीचे से सिक गया है, अब हम इसे पलट देते हैं। दूसरा साइड भी पक गया है, अब हम गैस का फ्लेम को लो कर देते हैं। अब लो फ्लेम में ब्रेड पकौड़ा को क्रिस्पी होने तक पका लेते हैं। बाकी के पकौड़ों को भी तल लेते हैं। हाई फ्लेम में पकाने से बैटर ब्रेड में जल्दी चिपक जाता है, ब्रेड से बैटर का छूटने का डर नहीं रहता है, इसीलिए हम इसे शुरू में हाई फ्लेम में पका लेते हैं, उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम में इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। ब्रेड हमारा क्रिस्पी हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमारा ऑनियन ब्रेड पकोड़ा तैयार है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।